गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज मेरी लाइफ का बहुत अच्छा दिन है और वो क्या है और मुझे आज क्या चीज़ें मिल रही हैं स्पेशली फॉर PCOD, सो उसके लिए फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। एंड अब बात करते हैं वीडियो टॉपिक की। मैंने बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे DMs रीड करे हैं रिलेटेड टू फ्लैट बेली। ऑफकोर्स फंक्शंस हैं, सबके घर में शादियाँ हैं दिसंबर में, एंड जनवरी में शादी है, फरवरी में भी शादी है और मार्च में भी है। सो हम सबकी ना एक ख्वाहिश होती है कि चलो जी बेली फ्लैट हो जाए। अब लहंगा पहनेंगे उसमें लेग्स तो दिखेगी नहीं ना, और अपर विंटर्स है तो आप आर्म्स कवर कर लोगे, बैक कवर कर लोगे, पर सबको रहता है यार कमर पतली दिख जाए, बेली फ्लैट दिख जाए तो बड़ा मज़ा सा आ जाएगा कपड़े पहनने में, साड़ियाँ लहंगा। और बहुत सारे कमेंट्स इसके रिलेटेड मेरे पास आए हैं कि वेडिंग सीजन है, कुछ ऐसा बता दो कि फटाफट ना बेली का फैट निकल जाए और बेली जो है बिल्कुल फ्लैट दिखे एंड उसकी वजह से हम थोड़े कपड़े कपड़े पहन पाए। अब समय तो है नहीं। अब बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो लेट लतीफ़ हैं, जागेंगे तब शादी के 15 दिन पहले या फंक्शन के 20 दिन पहले, 25 दिन पहले। मेरे घर वाले ना एक चीज़ बोलते हैं, अब अच्छे हैं या बुरे हैं परिवार परिवार होता है। अब आप लोग मेरे परिवार मेंबर ही हो फैमिली के, और जितना भी डांटू फटकारू ऑफकोर्स फैमिली फैमिली है, हम सब एक कंबाइंड फैमिली है। सो पॉइंट इज कि आज हम बात करते हैं फ्लैट बेली की, कि फ्लैट बेली कम समय में 10 दिन 15 दिन में क्या हासिल की जा सकती है। यस हो सकती है। एंड उसके क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या ड्रिंक्स उसके लिए लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि ड्रिंक दिस फॉर 12 डेज 10 डेज आपका फ्लैट बेली होगा, वो रॉन्ग है, पागल बनाने वाली बात है। फ्लैट बेली के लिए 3 से 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। अगर आप वो चीज़ें कर रहे हो देन डेफिनेटली आपका बेली जो है वो फ्लैट दिखेगा, बिल्कुल फ्लैट स्टमक दिखेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट आपका लाइक फिगर इतना मेंटेन दिखेगा एंड आप अच्छे से इजीली अपने कपड़े जो हैं वो पहन पाओगे एंड आप पतले दिखोगे बेसिकली। सो पॉइंट आता है कि वो क्या क्या 3 से 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, जिन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहेगा और जो जो लोग वाटर रिटेंशन के शिकार हैं उनका तो फ्लैट बेली आप भूल जाओ। फ्लैट बेली के लिए बिल्कुल पेट आपका फ्लैट दिखे, बिल्कुल पतला कर्व्स दिखे टमी पे, लाइक साइड्स में कर्व्स दिखे, आपके लव हैंडल्स ना दिखे और वो कम हो जाए 10 से 15 दिन के लिए, उसके लिए ना 5 से 6 चीज़ें आपको करना पड़ेगा। पहली चीज़, यू हैव टू मेक श्योर आप कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी ना हो आपको, बिल्कुल भी। उसके लिए आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, खूब सारा फाइबर ऐड करना पड़ेगा, अच्छे से पानी पीना पड़ेगा 3 से 4 लीटर, बॉडी को रेस्ट देना पड़ेगा, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं लेना और जितना हो सके ट्रैवल कम करना। अगर आपको इन 10 से 15 दिन के फ्लैट बेली के प्रोसेस में एक दिन भी कॉन्स्टिपेशन आएगा देन वो 2 से 4 दिन आपको पीछे कर देगा। कॉन्स्टिपेटेड बिल्कुल मत होने देना, एसिडिटी बिल्कुल नहीं होने देना, ज़्यादा तेज़ मसालों वाला खाना, मैं प्रेफर करती हूँ खाना सिर्फ नमक हो और हल्दी का पाउडर हो, 1 से 2 चम्मच हमारा घी हो या फिर हमारा ऑयल हो और साथ में थोड़ा सा हमारा कस्तूरी मेथी एंड धनिया पाउडर, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आता। हाँ, अगर आप लोगों के खाने में बहुत सारा गरम मसाला है और साथ में मिर्ची मसाले, खूब सारी मिर्ची, खूब सारा तड़का है तेल का, फ्लैट बेली भूल जाओ। आपको बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला है कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, बर्बिंग, फार्टिंग बिल्कुल नहीं। अपने आपको अच्छा खाना दो। नेक्स्ट, आप अपने टमी को शांत रखो, इंटेस्टाइन को कूल करो। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है छाछ। आप 2 गिलास छाछ अपनी डाइट में डेली का ऐड करो, बटर मिल्क। छाछ बनाना कैसे है, 2 चम्मच दही 1 गिलास पानी में ब्लेंड करके थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के हम छाछ बनाएंगे। वो बनाएंगे कैसे, हम चलते हैं किचन में। छाछ बनाने का सबसे सिंपल तरीका, 2 चम्मच दही लिया, अच्छे से फेंट लिया उसको, उसको हमने डाल दिया गडवी में, लोटे में बेसिकली जो भी आपके पास हो। 1 गिलास डाल दिया पानी और थोड़ा सा यहाँ पे भी ले लिया, सामान वेस्ट नहीं करने का, खूब अच्छे से मिक्स करा। ये है मेरे स्टाइल की छाछ और ये बिल्कुल रेडी है। ये ड्रिंक हम कब लेंगे, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर लंच, दोनों में से एक बार कभी भी ले सकते हो दिन में। उससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीज होगा, दूसरा आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वाटर रिटेंशन नहीं होने देता छाछ। नेक्स्ट आ जाता है एश गार्ड का जूस। अगर आप एश गार्ड का जूस डेली बेसिस पे 1 गिलास लेते हैं सुबह मॉर्निंग में खाली पेट, ट्रस्ट मी आपको कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता। मैं मानती हूँ सर्दियाँ हैं, एश गार्ड थोड़ा ठंडा होता है, बट इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
सवेरे सवेरे एक गिलास अगर आप खाली पेट ऐश गार्ड का जूस लेते हैं, ताज़ा ऐश गार्ड का जूस, ताज़ा जूस है उसे निकला हुआ, आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं, आपका स्टमक अच्छे से क्लीन है, ट्रस्ट मी, रात तक आपका जो टमी है वो वैसे ही फ्लैट दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रैवल। अगर आप एक्सेस ऑफ ट्रैवल करते हो और आप पानी पीना भूल जाते हो, बीच बीच में इंटरवल पे पानी पीते हो एंड उसके बाद पीते हो तो एक झटके में पानी पीते हो, उससे ना बॉडी पे अटैक पड़ता है कि ये क्या हो गया, एकदम से इतनी बड़ी चीज़ क्या आ गई बॉडी के अंदर। सो अपनी बॉडी को झटका नहीं देंगे, स्लोली स्लोली सिप 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 करके पूरे दिन पानी पीते रहेंगे। ये नहीं कि ज़्यादा पानी पियेंगे तो फ्लैट टमी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 2.5 से 3.5 लीटर के बीच में अगर आप पानी पूरे दिन का सिप सिप करके पीते रहेंगे, आपका पूरे दिन का जो यूरिनेशन है धीरे 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 होता रहेगा एंड उसके हिसाब से रात तक अगर आप अपने आप को देखोगे तो आप फ्लैट टमी मिलेगा आपको। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डिनर। अगर आप फ्लैट बेली के प्रोसेस में हो 10 से 15 दिन, डिनर ना बहुत ही लाइट रखेंगे, बहुत ही लाइट। कोशिश करना पपाया पे आप अपना डिनर सर्वाइव कर सको। कीवीज ले लो रात को 2 से 3, उसके अलावा पाइनएप्पल्स भी ले सकते हो, एक छोटी प्लेट पाइनएप्पल्स की, या फिर आप सूप ले सकते हो, कोई भी सूप लीजिए, चिकन सूप, टमाटो सूप, मेरे चैनल पे बतेरे सूप्स की रेसिपी है, वेजिटेबल सूप। मेक श्योर आप डिनर में ना सॉल्ट हटा दो, सबसे ईजी ट्रिक, डिनर में सॉल्ट हटा दोगे बॉडी की स्वेलिंग चली जाएगी, सुबह उठ कि आपको अपनी बॉडी वैसी ही लीन दिखने लग जाएगी। मुझे डिनर में सॉल्ट लिए बहुत लंबा समय हो गया, मैं डिनर में सॉल्ट लेती ही नहीं हूँ। नेक्स्ट एंड सबसे अलग टिप आता है यहाँ पर, आपका स्लीपिंग पैटर्न, नींद। नींद कैसे लोगे आप? अगर आपकी नींद बहुत ही अच्छी है, साउंड स्लीप है, आप 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो, आपका टमी बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। एंड अनदर पार्ट आता है, कुछ ड्रिंक्स होती है हमारे पास जो कि ना हमारे मेटाबॉलिक रेट को, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी बॉडी को थोड़ा सा पुश करती है कि डाइजेशन में पुश करती है, हमको वाटर रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती है, जिसकी हेल्प से हमारा जो टमी है वो फ्लैट होता है। ये नहीं कि उस ड्रिंक को पर्टिकुलर पीने से आपका जो फ्लैट टमी निकलेगा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। 20 से 30 मिनट की वॉक कीजिए डेली बेसिस पे, एक्टिव रहिए। अगर आप घर का भी काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो मेक श्योर आप थोड़ा सा भाग दौड़ा करके करिए, ताकि ना आप एक्टिव फील करें। एंड अनदर पार्ट, बॉडी को थकाना बंद कर दो। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक ड्रिंक शेयर कर रही हूँ जो कि विंटर स्पेशल है, रिलेटेड टू फ्लैट बेली। मैं ये नहीं कह रही कि इस ड्रिंक को पीने से आपका बेली फ्लैट होगा, बट ये ड्रिंक पीने से आपके फ्लैट बेली के प्रोसेस में एक पुश मिलेगा, जिसकी हेल्प से आपका जो बेली है वो फ्लैट होगा। कैसे? इससे मेटाबॉलिक रेट ठीक होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फेनल सीड है इस ड्रिंक के अंदर। फेनल सीड्स वैसे भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है हमारे इंटेस्टाइन के एरिया के लिए एंड स्पेशली आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए, ब्लोटिंग के लिए, आपको टमी को शांत करने के लिए एंड एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन को बाहर करने के लिए। ये ड्रिंक हम बनाएंगे कैसे और इसके साथ हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे इस ड्रिंक के साथ, चलते हैं किचन में। ओके जी, सो यहाँ पे मेरे पास है कूटनदानी मेरी, और यहाँ पे मेरे पास है कच्ची हल्दी, टर्मरिक रूट, सर्दियाँ हैं, मार्केट में बड़े आसानी से मिल रही है जी। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे मैं बताती हूँ। सो ये लिया मैंने इतना हमारा कच्ची हल्दी, टर्मरिक रूट। नेक्स्ट ये रहे मेरे पास सौंफ, हमारे फेनल सीड्स, आधे चम्मच जितना मेरा फेनल सीड्स गया है इसमें। खूब अच्छे से इसको अब हम कूटेंगे। ये हमारा पानी उबल गया, ये रहा हमारा टर्मरिक रूट एंड सौंफ। हमने इसको बॉईल करना है, हमारा 2 कप पानी है, जब तक वो 1 कप जितना हो जाएगा। ये भी हमारी टी, इवनिंग टी, एंड इट्स रेडी। मजाल है आपको सर्दी और जुकाम बुखार छू भी जाए। वेलकम बैक जी, ये ड्रिंक आपको लेनी है इवनिंग टी के टाइम, 4 से 5:30 बजे के बीच में, एंड इसको सिप सिप करके ताती बना के गर्म करके लेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके साथ आप कोई भी स्नैकिंग वगैरह मत करना, सिर्फ यही ड्रिंक लेंगे। और रात को आप शिफ्ट करो अपने आप को 0 salt डिनर पे, जो कि हमारे होंगे सूप्स या फिर थोड़े से फ्रूट, या फिर अगर आप अंडे खाना चाहते हो 2 से 3 बॉयल्ड एग भी ले सकते हो, दैट मेक श्योर वो विदाउट सॉल्ट होना चाहिए। बॉयल्ड चिकन ले सकते हो विदाउट सॉल्ट। सो या अगर आप इस तरीके से चलते हो, डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू फॉर दिस, आप किसी भी वेडिंग में 10 से 15 दिन पहले अगर ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आ रहे हो, कसम से बता रही हूँ 2 से 3 किलो तो वेट जाएगा ही जाएगा। प्लस उसके साथ साथ लहंगे की जो फिटिंग है वो दोबारा करानी पड़ जाएगी, क्योंकि वो लूज़ हो चुका होगा कमर से। एंड आप बहुत सुंदर लगोगे एंड बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स आएंगी।
So yeah, that's all about this video guys. See you soon in my next upcoming video. I hope this video is useful for you. जिन जिन के घर में शादी है उन सबको ये रेमेडी बताओ. एंड प्लीज अपना ध्यान रखिए, सॉक्स पहन के रखिए. सर्दियां हैं, नंगे पैर इधर जमीन पे पैर मत रखो. सर्दी लग गई तो होली आप लोगों की शादियां और मना ली आप लोगों ने शादियां. सो या दैट्स इट. आई विल सी यू सून गाइस. सो टेक केयर जी. बाय बाय.